एमपी में पीएम मोदी का दौरा, चित्रकूट से सद्गुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा हो रहा है। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के चित्रकूट आ रहे हैं। पीएम यहां सद्गुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ राज्यपाल व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सद्गुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सद्गुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नए विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीठाधीश्वर से करेंगे मुलाकात। चित्रकूट प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर एएसएल रिहर्सल भी की गई। गैर राजनीतिक है दौरा। बता दें, यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा गैर राजनीतिक बताया जा रहा है, हालांकि पीएम मोदी के आगमन पर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा भाजपा में कुछ जगह चल रहे असंतोष को साधने में काफी अहम रहेगा। बता दें, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी बीच नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक कई बड़े चेहरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वहीं कई बड़े नाम अभी भी बाकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।